हेलो, स्वागत है आपका कुकिंग कमलेश में। आज मैंने आपके लिए चिली मशरूम बनाया है जो बहुत ही झटपट और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, जो देखने में इतना अच्छा लग रहा है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। कभी भी आपका दिल करे आप इसे बना के झटपट खा सकते हैं। चलिए हम इसे बनाने की तैयारी शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैकेट पूरा जो 250 ग्राम का होता है वो ले लिया है। और इसको साफ करने के लिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सूखा आटा गेहूं का डाल दिया था। हम इसको इस तरह रब कर कर के जो भी इसके अंदर गंध होता है तो वो सारी जो होती है गंदगी हट जाती है। इस तरह करके हम सारे मशरूम को साफ कर लेंगे और इसे खूब अच्छी तरह 3-4 बार पानी से धो के फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, मैंने अपने मशरूम की कटिंग कर ली है। जिस तरह छोटे बटन मशरूम है मैंने उनको साबुत रहने दिया है और जो बड़े हैं उनको मैंने इस तरह हाफ कर लिया है, क्योंकि मशरूम में पानी बहुत होता है और वो थोड़ा श्रिंक हो जाते हैं। अब हम इसको मैरिनेट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, फ्रेश कटी हुई काली मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसके अंदर हम डालेंगे अच्छी सी लेयरिंग लाने के लिए 1.5 चम्मच के करीब हम डालेंगे इसके अंदर अरारूट का पाउडर और 1.5 चम्मच ही हम डालेंगे इसके अंदर मैदा, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च जो इसे कलर बहुत बढ़िया देगी और 1 चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे तेल। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा मैरिनेशन तैयार हुआ है। अब हम इसकी आगे की तैयारी करते हैं। इसको 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ते हैं। ये हमने 1 चम्मच ले लिया है अरारूट और इसके अंदर पानी डालेंगे। इसकी हमें एक स्लैरी बनानी है जो हमें सॉस के अंदर यूज़ करनी है। तो क्योंकि ये सारी तैयारियां हैं पहले से हम करके रखेंगे तो हमारी डिश फटाफट बनेगी। अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो बीच बीच में हमारी डिश रुकेगी और उसमें थोड़ा कम स्वाद आएगा। तो हमें को तैयारी ये पहले ही करके रख लेनी चाहिए। खूब बढ़िया सा हॉट गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1-1 मशरूम। ये देखिए हमारे को मशरूम की पूरा इसको फ्राई नहीं करना था, क्योंकि इसकी बस हमारे को कोटिंग को सेट करना था। तो अभी हमने मीडियम स्लो पे इसको इसकी कोटिंग को हमने सेट कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बार। ये देखिए लग रही है ना, बिल्कुल कोटिंग इसकी जो हमने मसाले लगाए थे वो इस पर अच्छी तरह चढ़े हुए हैं। ये तो आपको तेल को देख के ही लग रहा होगा कि हमारा कोटिंग जरा भी इसमें से उतरी नहीं है। और अब हम इसको गैस को करेंगे तेज। अब हमारा तेल जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म तेल में एकदम हम डालेंगे तो एकदम इनकी जो क्रिस्पीनेस है वो बनेगी और बनी ही रहेगी। ये देखिए इसको हम हाई फ्लेम पे करेंगे। अगर स्लो कर देंगे तो जो क्रंचीनेस है वो इसमें आएगी नहीं और वो हमारी मशरूम जो है फिर वो पकने से लगेगी। अभी हमें इसको मंचूरियन बनाने के लिए थोड़ा इसको हमें क्रिस्पी करना है, तो वो हमारा ये हम जो दूसरा फ्राई दे रहे हैं इसको मंचूरियन के लिए, तो ये क्रिस्पीनेस इसकी बढ़ाएगा। ये देखिए किस तरह इसकी कोटिंग और इसका क्रंच। इसको हम अभी पकने देंगे, थोड़ा फ्राई होने देंगे। अब हम इसको निकाल लेते हैं। पहले हमने इसको पेपर पे निकाला था, अब हम इसे पेपर पे नहीं निकालेंगे, ऐसी चीज़ पे निकालेंगे जिसमें हवा आर पार होती रहे। आप छन्नी में भी निकाल सकते हैं। मैं इसको इसके अंदर निकाल रही हूँ ताकि इसमें हवा पास होती रहे और इनकी क्रिस्पीनेस बनी रहे, मुलायम ना पड़ेंगे। थोड़ी इनमें हवा लगती रहेगी तो ये और क्रिस्पी होते रहेंगे। तो हम इन्हें एक तरफ रखते हैं। अब हमने उसी पैन के अंदर इसकी सॉस बनानी है, तो तेल हमने कम कर दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन, लहसुन थोड़ा पक जाए।
अब इसके अंदर डालेंगे हम अदरक, इसका भी कच्चापन निकल जाए। अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च और अपनी ये वेजिटेबल। सब्जी हमारी सौटे हो गई, हमें ज़्यादा इनको सौटे नहीं करना है, उनको हाई फ्लेम पे करना है जिससे कि हमारी क्रंचीनेस बरकरार रहे। सबसे पहले उनमें डालेंगे सोया सॉस, ये डालेंगे हम टमाटो केचप, और ये हम डाल रहे हैं ग्रीन चिली सॉस। नमक डालेंगे हम, थोड़ा सा चीनी डालेंगे। अब हम इनको चलाएंगे, सारी सॉसेस को एक बार में ही हम पकाएंगे। अब हमने ये जो लहरी बना के रखी थी एक चम्मच अरारोट की, इसको हम डाल देंगे। अब आपको जितना सॉस को पतला रखना है उतना आप रखिए, बस हमारी सॉस इतनी सही है, फर्स्ट क्लास है। अब हम इसके अंदर अपने डालते हैं मशरूम, ऊपर से हरा धनिया, और हमारे चिली मशरूम तैयार हो गए। गैस को कर देंगे बंद। ये देखिए मशरूम मंचूरियन हमारा तैयार है। तो आप देख सकते हैं कितनी झटपट बना है ये। कभी कभार दिल करे कुछ और खाने का तो इसे बना के आप ज़रूर खाएं। पहले ही मैंने आपको मशरूम दो प्याज़ा और गार्लिक मशरूम की रेसिपी दे रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं मेरे लिंक पे। और आप ये देखिए ये भी मैंने बनाई है, तो बहुत ही अच्छी लगती है। कभी कभी खाली बैठे हों तो हमारा दिल करे कि आज हमें रोटी नहीं खानी है, तो ये बना के हम खा सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।